रुकिए और स्क्रॉल मत कीजिए, मेरी आज की वीडियो उन सभी नौजवानों के लिए है जो कि एक फिटनेस जर्नी ऑप्ट करते हैं फॉर वेट लॉस, फैट लॉस या हेल्थ मैनेजमेंट, बट थोड़ा सा चूक जाते हैं ये सोच के कि हम थोड़ा सा चीट कर लेते हैं और प्रोसेस्ड या पैकेट फूड का कंजम्पशन करने लग जाते हैं ये सोच के कि हमने तो इतना सा ही खाया है, क्या हो जाएगा। मगर आजकल के यूथ इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल है अपनी लाइफ को लेकर कि वो थोड़ा सा नहीं खाते हैं, वो इमोशनल ईटिंग करके पूरा पैकेट ख़त्म कर देते हैं। क्या ये राइट है या रॉन्ग है, कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। नमस्ते एवरीवन, मैं न्यूट्रिशनिस्ट राधिका। आज की मेरी वीडियो डेडिकेटेड है वो हर एक यूथ के लिए जो कि डाइट पैटर्न फॉलो करके चीट कर जाते हैं। तो आज मैं कुछ विदेशी सॉप बताऊंगी विद आवर देसी होममेड थिंग्स, जो आपको अगर अनवांटेड भूख लग रही है या आपको क्रेविंग हो रही है कुछ अच्छा खाने की, तो आप उसको सॉप करके अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं ताकि आप अपना वेट एंड हेल्थ मैनेजमेंट की जर्नी को इफेक्टिवली अचीव कर लें। अगर आपको कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है तो मार्केट बेस्ड नमकीन ना खाकर आप होममेड रोस्टेड मखाना खा सकते हैं। अगर आपका कोई चिप्स मंच करने का मन कर रहा है तो मार्केट बेस्ड चिप्स को ना मंच कर आप होममेड रोस्टेड मिक्स सीड्स एंड नट्स ले सकते हैं। फाइबर के लिए डाइजेस्टिव बिस्किट ना खाएं, इसके बजाय फ्रूट्स खाएं। डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए मार्केट बेस्ड लेमन जीरा ना पिए, इसके बजाय कोकोनट वाटर पीजिए। अगर आपको शुगर की क्रेविंग हो रही है तो मार्केट बेस्ड चॉकलेट ना खाकर होममेड रोस्टेड ग्रैनोला व ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मार्केट बेस्ड रिफाइंड ऑयल से भरी हुई ड्रेसिंग को अवॉइड कीजिए और घर की फ्रेश बनी हुई टमाटो बेसिल चटनी को एज अ ड्रेसिंग यूज कीजिए। सो नौजवानों, असली खाना खाओ, नकली खाने से दूर भागो और अपनी सेहत बनाओ। एंड फॉर सच मोर हेल्थ टिप्स यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप अस, फॉलो एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू वेरी मच।